अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीजे शहना। समर के लिए एक बेहतरीन सी जो है ना एक रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल सी एक ड्रिंक है, इसकी भी रेसिपी है। ये रेसिपी तो मैंने फेसबुक से ही देखी थी, लेकिन इसको मैंने जब एक दफ़ा बनाया तो नेक्स्ट टाइम जब मिर्ज़ा ने कहा कि मैं अब जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी और उसकी वीडियो बनाऊँगी, अपलोड करूँगी, तो आप लोगों को जैसे भी लगे तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने लेना है कैरी, वाइट कैरी हो, जितनी वाइट कैरी होगी उतने ही इसका जो फ्लेवर है ना ज़बरदस्त आएगा। और फिर हमारी जो क्यारी है ना उसमें हमने कुछ मिंट वगैरह, कड़ी पत्ते वगैरह ये चीज़ें लगाई हुई हैं, तो बिल्कुल फ्रेश मिंट लीजिएगा, काले मिंट मत लीजिएगा ताकि उसका कलर अच्छा रहे। चीनी आप लेंगे 1 किलो कैरी के बराबर ही, और उसके बाद इसमें लेंगे 2 लेमन, लेमन के साथ आप लेंगे काला नमक 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट, या आप रेगुलर वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और पानी 2 लीटर लेना है, 1 लीटर पहले और 1 लीटर बाद में आपके शीरा बनाने में काम आएगा। आपने क्या करना है, इसको केरी को छील लेना है, उसके बाद आपने 1 लीटर पानी के साथ इसको जो है ना पकाने के लिए रख देना है, और साइड पर वो जब तक 10 मिनट तक पक रहा है तो अब आपने क्या करना है कि चीनी में 1 किलो चीनी आप लेंगे और उसमें 1 लीटर जो है ना पानी डालेंगे और इसका एक शीरा सा बना देंगे। 5 से 6 मिनट तक, 7 मिनट तक आपने इसको पकाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोई गाढ़ा सा शीरा नहीं बनना चाहिए, पतला ही सा बनना चाहिए क्योंकि इसे हमें बाद में भी कुक करना है। उसके बाद इस तरह हमारा ना ये मैंगो जो है ना इस तरीके का हो गया है। तो आप हैंड ब्लेंडर भी कर सकते हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। मिंट यूज़ करना है, वो अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसमें ज़्यादा पुदीना डालते हैं ना तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का आता है। अच्छा, इसको आप अच्छे तरीके से, मैंने हैंड ब्लेंड कर लिया था, इससे क्या हुआ था कि जो इसमें पुदीना का जो चंक्स है ना वो थोड़े से बड़े आ रहे थे। अगर आपने जूसर में किया ना तो फिर ये बहुत ही बारीक और फाइन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो मिंट के जो चंक्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद जब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद, अच्छा इसमें ख्याल रखिएगा कि जो आपने मिंट लीव्स ली है ना उसमें डंडी वगैरह बिल्कुल भी ना आए, बहुत ही फ्रेश मिंट लीजिएगा। जितनी फ्रेश लीव्स होंगे उतने ही ज़्यादा ये हेल्दी और आपके गले में इसके जो रेशे होते हैं ना वो नहीं आएंगे। अब आपने जब अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया ना, उसके बाद आपने इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है, काफ़ी गाढ़ी सी होती है, क्योंकि इसमें जो 1 लीटर पानी में हमने इसको जो बॉयल किया था ना वो उसी पानी में हमने इसको जो है ना ग्राइंड किया है। इसके बाद आपने इसको शीरे में डाल देना है। शीरे में डालने के बाद आपने इसमें डालना है पिंक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, और काला नमक 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच आपने डाल देना है, और उसको अच्छे तरीके से 5 मिनट तक पकाना है। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी सी है। मिर्ज़ा ने आधे घंटे के अंदर ये रेडी कर लिया था। उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको जो ये आपका जो बना है ना जूस, ये आपने रूम टेम्परेचर तक ले कर आना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसमें 2 लेमन जूस डालना है। लेमन जूस को हमने ठंडा करने के बाद डालना है, इसलिए क्योंकि वो कड़वा कर देगा अगर आप गर्म में डालेंगे, और दूसरा ये क्रिस्टलाइज कर देगा, तो क्रिस्टलाइजेशन से रोकने के लिए आपने इसमें लेमन को ज़रूर ऐड करना है। फिर आप एक जार में इसको जो है ना स्टोर कर लें, 1 हफ्ते तक तो ये बिल्कुल सही रहता है। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है तो 10 दिन भी रह सकता है। रेडी टू ड्रिंक है, मतलब आपने अपने जग में ग्लास में बर्फ़ डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद ये आपने ऐड कर देना है। अगर आपको गाढ़ा पसंद है, स्लश लाइक पसंद है तो आप इसमें ज़रा ज़्यादा ऐड करें, लेकिन अगर गर्मी के सीज़न में आप चाहते हैं कि ज़्यादा पानी का इंटेक होना चाहिए तो आप पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का ये आपको लगेगा। हमेशा आपने कैरी का शरबत सुना होगा, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, अगर आप ये आप लोग पियेंगे तो आप लोग लाजमी बनाएंगे ज़रूर। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बनाए तो व्हाट्सएप पे मुझे इसकी तस्वीरें शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसके बारे में कमेंट करूँ। इसमें तमाम चीज़ें ही काफ़ी आपको जो है ना कूल रखने वाली हैं, आपको इस समर में डिहाइड्रेशन से बचाएंगी, और आई एम श्योर कि आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो लाजमी मुझे थैंक्स तो ज़रूर ही बोलेंगे। और इंशाल्लाह ताला फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।